हमें सफर करना पड़ता है बाजफा सफर करके हम कहीं और जाते हैं ट्रेन है अपनी खुद की गाड़ी है या कुछ और जिससे भी आप जा रहे हो उससे हम जाते हैं तो क्या होता है खाने पीने की चीजें होती हैं तो हम क्या करते हैं चिप्स बच्चे ने खाया तो और पैकेट खत्म हुआ खिड़की से बाहर बिस्किट खाया खत्म हुआ पैकेट जो है खिड़की से बाहर ये भी एक गलत अमल है ये भी एक बहुत नामुनासिब अमल है जो है हमारे समाज में लोग इसको अंजाम देते हैं आप जो है क्या करें उससे जो, जो भी चीज खाली हो रही छिलका है या जो है फ्रूट आपने खाया हुआ है उससे जो बीज है या जो कुछ भी उससे निकला हुआ है चिप्स वगैरह पैकेट वगैरह है जो भी उससे आ, कवर्स वगैरह निकले हुए हैं उन सबको एक जगह एक थैली में एक कवर में जमा कर लें आप किसी मुनासिब जगह पहुंचे ट्रेन में कूड़ेदान है कूड़ेदान में डालें या जो है कहीं डब्बा डस्टबिन रखा हुआ है वहां पर डालें या जहां भी कचरा फेंका जाता है वहां पर डाले ये नहीं कि आप कहीं भी फेंकते चले जाए अच्छे अच्छे लोग जो देखिए आप ट्रेन में है सफर में अच्छे अच्छे लोग जो है गाड़ी से बाहर फेंक रहे होते हैं हालांकि वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं शरीफ हैं अच्छे घराने के शुमार होते हैं लेकिन ये गलत अमल वो भी कर रहे होते हैं तो इस गलत अमल से हमें बचना चाहिए अच्छा हमारे यहाँ एक और गलत फहमी जो है अरे ठीक कचड़ा ही तो है कहीं भी फेंक दो देखिए ट्रेन में कितनी सीटें गंदी कर रखी होती है लोगों ने जहां खा रहे हैं, वहीं फेंक दे रहे जा उठकर जाने की गेट तक रहेफीक नहीं होती जहां डस्टबिन रखा हुआ है या एक जगह जमा नहीं कर सकते यहां अभी जमा कर लो और फिर ले जाकर के फेंक देंगे नहीं करते ये हमें करना चाहिए ये रोजाना की जिंदगी का डेली लाइफ का एक बेहतरीन अमल है एक भाई क्यों करें आप कहीं भी क्यों फेंकें वैसे भी प्लास्टिक नुकसान दे वैसे भी इन सारी चीजों से आप कहीं भी फेंक देंगे कचड़ा होगा देखिए बास दफा क्या होता है इंसान घर में बैठा हुआ है इतना काहिल इतना गाफिल हो गया इंसान घर में बैठा हुआ खेला खाया छिलका खिड़की से बाहर वो तो किसके ऊपर गिर रहा है परवाह नहीं फिर वो कहीं बच्चा उस पर पैर रखता है फिसलता है गिरता है उसका सर फटता है उसका उसकी टांग टूटती है उसका पैर टूटता है या कोई और हादसे का शिकार हो जाता फिर लड़ाइयां होती हैं झगड़े होते हैं बहस होती है कौन फेंका कहां से आया ये सारी चीजें मसाइल होते हैं तो ये ये कितना गलत अमल है अच्छा उसमें भी आप एक जगह कचड़ा नहीं जमा कर पा रहे साफ कौन करेगा ठीक है ना ओबीएमसी वाले हैं और फलाने वाले हैं आएंगे लेकर के जाएंगे हमारा क्या हम तो खाएंगे गंदगी करेंगे तो हमसे ज्यादा गंदा तो कोई है ही नहीं हम कचड़े वाले को कचड़ा वाला वो, वो सफाई वाला कचड़े वाले हम हैं कचड़े वाले हम कचड़ा हम करते हैं हमारे यहां है तो जो खाकरोब होता है जिसको आपके अपनी जुबान में बंगी बोलते हैं तो सफाई कितना उसको अजीब नजरों से देखते हैं बहुत गंदा इंसान है बहुत गंदा इंसान है तो वो कचड़े वाला नहीं है वो सफाई वाला है आपके घर की गंदगी वो ले जाकर के वहां डालता है उसकी तनख्वाह ले रहा है लेकिन वो ये काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है आप नहीं करेंगे वो ये काम कर तो क्यों ना कचड़ा आप एक जगह जमा करें जब वो आ रहा है वो उसका इंतज़ाम किया गया है जैसे भी चाहे बीएमसी की तरफ से या समा सोसाइटी की तरफ से या जिस किसी की तरफ से भी आप वो कचरा एक जगह रखें वो आए उसके हवाले कर दे ले जाए अब घरों में बच्चों को ये बताना चाहिए ये तहजीब सिखाना चाहिए और ये तरीक़ा हमें सिखाना चाहिए ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन खैरन